वृंदावन कोतवाली में आज दिसंबर माह का पहला थाना समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। इसी बीच समाधान दिवस में करीब 10 शिकायतें आईं, जिनमें अधिकतर जमीन पर अवैध कब्जों से जुड़ी हुई थीं। गौरतलब है कि योगी सरकार भले ही सूबे में एंटी भूमाफिया एक्ट लागू कर जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर नकेल कसने का दावा करती हो, लेकिन धरातल पर ये दावे खोखले ही साबित होते नजर आते हैं। इसका एक उदाहरण वृंदावन कोतवाली में लगे थाना समाधान दिवस में दिखाई दिया, जहां गांधी पार्क के समीप निवासी भरत लाल गोयल ने राजपुर में उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की। वहीं नगला रामताल से आए एक किसान ने अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप बहुचर्चित संस्था पर लगाया। नगला रामताल से आए भरत सिंह पुत्र रामचरण ने बताया कि उसकी करीब 650 वर्ग जमीन पर एक संस्था द्वारा काफी वर्षों से कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसने सोचा था कि सपा सरकार जाने के बाद शायद उसे उसकी जमीन मिल जाए, लेकिन पहले की सरकार की तरह योगी सरकार भी पुराने ढर्रे पर चलती दिखाई दे रही है, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं इस संबंध में समाधान दिवस में समस्या सुनने आए एसडीएम सदर क्रांति शेखर सिंह से बात की तो उनका कहना था कि मामले की जाँच के आदेश एसएचओ और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इधर थाना समाधान दिवस में शिकायत करने आए भरत लाल गोयल और रामताल निवासी भरत सिंह ने जानकारी दी। जी सर, आज समाधान दिवस में कितनी समस्या आई है और किस स्थान की? आज ये थाना समाधान दिवस चल रहा है यहाँ के सभी थानों पे, तो थाना समाधान दिवस में समस्याएं करीब 10 शिकायतें अभी प्राप्त हुई हैं और एक दो शिकायतकर्ता भी और हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी रेवेन्यू की और पुलिस की टीम बैठी हुई है, तो अभी लगभग 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सर जी, अभी ब्रश फाउंडेशन पर आरोप लगा रहे थे अपनी जमीन कब्जाने का था। एक शिकायतकर्ता आया हुआ था, उसने बोला कि ब्रश फाउंडेशन ने हमारी जमीन कब्जा किया क्या है, उसको एसएचओ के पास भेजा गया, हमारे रेवेन्यू के अधिकारी भी हैं, उसकी जांच कर लेंगे तो क्या है उसका एप्लीकेशन का। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? रामताल झांसा, भरत सिंह नाम है सामने। क्या समस्या थी, आपने एसडीएम साहब को क्या समस्या से अवगत कराया? साहब, मेरी जमीन कब्जा हुआ है, फाउंडेशन वाले ने जमीन कब्जा कर रखा, रामताल ने कुंड बना रखा, उसमें मेरी जमीन घेर रखी था, और काफ़ी दिनों से मैं पहले मुलायम सिंह जी की सरकार से थी तब भी मैं वहाँ पे जाता था, और तब भी वो ये कहते था मेरी हमारी सरकार है, आप क्या करोगे, हम जो घेरना चाहें हमारी ज़मीन है, वो साहब यही करके साहब मेरी ज़मीन घेर रखी साहब। अब मैं साहब लाचार हूँ, अनपढ़ हूँ, अब मैं पढ़ा लिखा है नहीं, मैं इतना घूम फिर सकता नहीं। तो क्या आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या खरीदी थी आपने? नहीं साहब, मैंने खरीदी हुई सर। कितनी जमीन है? 12.5 डिसमिल, 650 वर्ग गज करीब बनती सर। तो कब्जा कैसे कर रखा है, कहाँ है, किस क्षेत्र में है जमीन आपकी? ये यहाँ से सुंदर से आगे रोड गया है राम, ये जैत के लिए उसी रोड से लगी हुई है मेरी सब, मेन रोड से लगी हुई है सर। तो क्या कुछ बना लिया है, कब्जा कर क्या है? सर, उन्होंने बाउंड्री कर रखी है सर जबरदस्ती, और कई बार हम आए गए और पुलिस वालों ने यही धमकी दी कि आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो। अब आपने शिकायत की है तो अब क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं सर, अभी तो कई महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, तब से हम कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जो आपने अभी जो एसडीएम साहब से शिकायत की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर से मिल लो, सर बोल रहे हैं कि साहब कल आना, आज अब तो कुछ नहीं, मुझसे बात नहीं की है, कोई बात नहीं की है, कल की बोले। तो क्या उम्मीद है सरकार बदलने के बाद अब सुनवाई होगी या नहीं होगी? देखो साहब, यही तो हम आशा लेके आते हैं सर कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए सर, हम तो गरीब आदमी हैं और तो हम कर नहीं सकते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत लाल गोयल। जी, कहाँ से आए? वृंदावन में, गांधी पार्क के पीछे से। आज जो समस्या है किस बारे में शिकायत की? सर, ये प्लॉट है मेरा राजपुर बागर में, बागर में ही, वहाँ पे मैं उसकी बाउंड्री करने जा रहा हूँ, तो मनीष बघेल का एक व्यक्ति है, वो उसको परेशान कर रहा है, प्रॉपर्टी मांग रहा है, वो लाए अवैध कब्जा है तुम्हारा, तो मैं डी साहब से शिकायत की है, डी साहब से वो कह रहे हैं इसकी जाँच की जाएगी। उन्होंने जाँच का आश्वासन दिया? आश्वासन दिया। तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह सब आपके नाम? पेपर रजिस्ट्री वगैरह सारे पेपर हैं, खतौनी वगैरह सब, फजरा बजरा रजिस्ट्री बैठी सब बुक किए हैं। कितने दिन पहले खरीदी थी आपने? तो करीब 10-12 साल हो गए।